वीरेंद्र कुमार मौर्य हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ। पिछड़े वर्गों की जितनी भी जातियां हैं अखिल भारतीय स्तर पर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का महासंघ है, उसका चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि ये आरक्षित वर्गों का एक हिस्सा है। बाबा साहब ने सोशली बैकवर्ड की बात की थी। सोशली बैकवर्ड का मतलब होता है कि जो अनुसूचित अनुसूची में दर्ज किए गए अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और ओबीसी के लोग जो शेष रहे वो अदर बैकवर्ड कहे गए। इसलिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोग जो आरक्षित वर्गों के हैं, इस लड़ाई में दलितों की लड़ाई नहीं है, यह केवल ये आरक्षित वर्गों की लड़ाई है। जिस प्रकार से भारत सरकार और न्यायपालिका के लोग और मीडिया के लोग मिलकर के इनके खिलाफ षड्यंत्र करके और इनमें बिखराव पैदा करना चाहते हैं, इनके हक हकूक को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को बिल्कुल समाप्त प्राय कर दिया है, ऐसे में पिछड़ा वर्ग महासंघ ने घोषणा की है कि वह जो ये मीडिया का चलाया हुआ षड्यंत्र है या आरएसएस का षड्यंत्र है या बीजेपी का षड्यंत्र है कि वह पिछड़े और अन्य लोगों की बात कर रहे हैं कि जो कल होने वाला प्रदर्शन है, प्रदर्शन में पिछड़े। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 10 तारीख का जो आपने इस तरीके आप कह रहे हैं ये फिजूल अफवाह है, क्या आप इसका सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, पिछड़े वर्गों के लोग कतई उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो चीजें आरक्षित वर्गों के खिलाफ होंगी उनमें पिछड़े वर्गों के लोग कहीं भाग नहीं लेंगे, ऐसा निर्णय महासंघ के स्तर पर किया गया है और पूरे देश में। मुरिया जी, आपको लगता है कि कभी मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, कभी दलितों को टारगेट बनाते हैं, क्या अगला नंबर बैकवर्ड तो नहीं है? यह बिल्कुल सही है कि यह लोग ये प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि जो आबादी में कम तबके के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज के हैं, फिर उनके बाद अनुसूचित जातियों के लोग हैं, और वैसे भी इन्होंने हकमारी कर रखी है पिछड़े वर्गों की, उनको आबादी के अनुपात में भागीदारी देने के बजाय उनको उनकी आबादी से आधा हिस्सा दिया है, जबकि उसमें हिंदू मुस्लिम पसमांदा समाज के लोग हैं। लेकिन ऐसे में अब ये प्रयोग करके देखना चाहते हैं कि हम पिछड़े वर्गों को जैसे अनुसूचित जातियों को भ्रमित करके पहले इन्होंने आरक्षित परम्परानतियों में आरक्षण के मसले पर अलग खड़ा कर लिया था, उस तरह वो चाहते हैं कि इस सवाल पर भी पिछड़े अलग खड़े होंगे। लेकिन साथियों, पिछड़ों को पता है कि यह लड़ाई आरक्षित वर्गों की है और उनके साथ मिलकर लड़ी जा सकती है, इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग कतई कहते हैं उस प्रोटेस्ट में साथ नहीं है जो इनके अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ होने वाला है। तो आगामी मुस्लिम और बैकवर्ड एक मंच पे आएगा? बिल्कुल, ये दलित मुस्लिम बैकवर्ड आएगा नहीं, बल्कि दलित मुस्लिम बैकवर्ड आ चुका है। और मैं समझता हूँ इस समय जो क्रूशियल स्टेज है पूरे भारत के अंदर पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से लामबंद होकर आरएसएस और बीजेपी के का षड्यंत्र इनके खिलाफ चल रहा है, ऐसे में पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर लड़ना ही पड़ेगा। और ऐसे में पिछड़ा वर्ग महासंघ भी पूरी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ है और उनसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगा। हमारे माइनॉरिटीज के साथी भी हैं, तमाम जातियां हैं जो मंडल आयोग के तहत पिछड़ा वर्ग में आती हैं, वह सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस दलित आंदोलन का साथ देंगे।